हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूँ आपका मेरे चैनल पे। आज हम शुरू करेंगे जलवायु का पार्ट टू, जिसके अंदर जलवायु की वैज्ञानिक वर्गीकरण जो किया गया है वो शुरू करेंगे। अगर पार्ट फर्स्ट आपने नहीं देखा है तो पहले आप पार्ट फर्स्ट देख लीजिए, उसके बाद पार्ट टू स्टार्ट कीजिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, वैज्ञानिक वर्गीकरण तीन वैज्ञानिकों ने किया था। फर्स्ट थे व्लादिमीर व्लादिमीर पोपेन व्लादिमीर पोपेन द्वितीय थे ट्रीवाड़, और तृतीय थे थार्नबोई। ये तीन तरीके से वर्गीकरण इनका किया गया था। इन तीनों वैज्ञानिकों ने इनका वर्गीकरण किया था। इन तीनों वैज्ञानिकों के वर्गीकरण का जो आधार था वो अलग अलग था। व्लादिमीर पोपेन के वर्गीकरण का आधार था वनस्पति। देखिए, तीनों वैज्ञानिकों में जो वर्गीकरण के आधार में जो समानता है वो वनस्पति तीनों में ही है। जिसे ध्यान रखना, वनस्पति तीनों में ही है। कुछ चेंजेस, व्लादिमीर पोपेन के प्योर वनस्पति के ऊपर इन्होंने वर्गीकरण किया था। त्रिवार्थ ने वनस्पति के साथ साथ वर्षा की मात्रा जो है, वर्षा की मात्रा, और थर्नडोई का वनस्पति मेनली वनस्पति ही था, पर वनस्पति के साथ साथ इन्होंने जो वर्षा की मात्रा, मतलब वर्षा के जो कण थे, पानी के कण, ठीक है, यानी कि वर्षा की मात्रा व वाष्प के कण, मान लो वाष्प कण, ये आधार इन्होंने रखे थे। ये तीनों आधार इन्होंने रखे थे। इन तीनों आधार के ऊपर इन्होंने राजस्थान का जो जलवायु जो है उस प्रदेश में पाता। ये जलवायु प्रदेश अलग है, कृषि जलवायु प्रदेश अलग होते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा और इजी तरीके से आप समझ जाएंगे। व्लादिमीर कोपेन का वर्गीकरण देखिए, अपन मैप के साथ में इसको सीखेंगे। ये मान लो राजस्थान का मैप है, ये राजस्थान का मैप है इस तरीके से। अब देखिए, व्लादिमीर कोपेन ने कैसे वर्गीकरण किया इसका। व्लादिमीर कोपेन ने इसको चार भागों में बांटा, राजस्थान को चार भागों में बांटा। सबसे पहला ध्यान रखिएगा, ये श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ है, यहां से बांट लो इसको। और ये जो पाकिस्तान, जो पश्चिमी राजस्थान है, मरुस्थलीय प्रदेश, जिसकी जलवायु क्या है, शुष्क, शुष्क या मरुस्थलीय जलवायु जिसको कह सकते हैं, उसको इन्होंने नाम दिया BWHW। ठीक है, कौन सा, ऊपर से लगा के, यहां से लगा के, जो पश्चिमी पूरा जहां पे मरुस्थली प्रदेश, जो मान लो आप 12 जिले जो आते हैं मरुस्थल के, वो सारे आप किस में ले लो, शुष्क में ले लो, BWHW। अब बांगड़ प्रदेश से लगा के अरावली पर्वतमाला के कुछ भाग होते हुए जो बीच वाला जो भाग है उसको उन्होंने जो अर्ध शुष्क भाग होता है, अर्ध शुष्क जो भाग होता है वो, उसको इन्होंने नाम दिया BSHW। क्या नाम दिया, BSHW। अब इसको यू मान, शुष्क और ये अर्ध शुष्क कैसे, बीच में एस आ रहा है तो इसको सेम ही मान लो। क्या मान लेंगे, सेम, बाकी तो BWH है तो सेमी की वजह से अर्ध है और बाकी क्या है, शुष्क। ऐसे अपन याद कर सकते हैं, याद करने का तरीका। राजस्थान का दक्षिणी भाग और हाड़ौती का कुछ भाग जैसे झालावाड़ प्रदेश हो गए, और ये इनको इन्होंने नाम दिया AW। क्या नाम दिया, AW। तो ये कौन सा भाग होता है, ये आर्द्र भाग होता है, आर्द्र। तो बचा हुआ जो पूर्वी राजस्थान है वो कौन सा भाग होता है, उपार्द्र, इसको इन्होंने नाम दिया CWG, है ना। इस तरीके से चार भागों में बांट लीजिए, BWHW, BSHW, AW और CWG। ये क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि राजस्थान का दक्षिणी भाग जो है, व्लादिमीर पोपेन ने अपने वर्गीकरण में उसको क्या नाम दिया, उसको क्या नाम देंगे अपन, AW। ठीक है, अब इसमें क्या हो सकता है, वर्षा की मात्रा, वर्षा की मात्रा देख लो, 10 से 20 सेंटीमीटर इस भाग में होती है वर्षा। बट आगे क्या हो जाएगा, ये 20 से 40 मान लो इसको, ये 40 सेंटीमीटर की वर्षा, 20 से लगा के 40 सेंटीमीटर की वर्षा अर्ध शुष्क भाग में होती है। और ये क्या है, उपार्द्र है, यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 60 से 80 सेंटीमीटर बारिश हो जाएगी। और जो बचा हुआ भाग है वहां पे कितनी, 80 से 100 सेंटीमीटर बारिश जो है वो होती है। तो
ये इस तरीके से वर्षा की वितरण भी हो जाएगा। कैसे? BWHW 10 से 20, BSSW 20 से 40, CWG 60 से 80 और AW 80 से 100, इस तरीके से। अब इधर वनस्पति की बात करें तो वनस्पति कैसी वनस्पति पाई जाएगी? मरुस्थलीय तो शुष्क, कंटीली, जाड़िया वगैरह ये पाई जाएगी। अर्धशुष्क है, इसमें स्टेपी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, स्टेपी। तो ध्यान रखिएगा, इसको स्टेपी प्रकार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेपी प्रकार की बात। आप इसको एस से स्टेपी भी याद रख सकते हो, एस से स्टेपी, ठीक है। और यहाँ पे सागवान, शीशम टाइप के और बाकी बचे हुए जो मैदान है वो घास के मैदान, और ये पूर्वी में मान लो आप, इस तरीके से वनस्पति का वर्गीकरण भी हो जाएगा। तो समझ में आया आपको कैसे? BWHW शुष्क वाला भाग, BSHW अर्ध शुष्क वाला भाग, CWG उप अर्ध वाला, AW अर्ध वाला, बस यही इसके अंदर है। अब ये है ऐसा का ऐसा त्रिवार्ता ने दिया, ऐसा कैसा किसने दिया है? त्रिवार्ता। कुछ चेंज नहीं किया है, जो चेंज किया है वो मैं आपको बताऊं, इजी याद हो जाएगा। और आप इसको वीडियो पॉज करके इसका फोटो खींच सकते हैं। आगे देखिए, त्रिवार्ता ने क्या चेंज किया है, उसने केवल पश्चिमी राजस्थान लिया है, केवल पश्चिमी राजस्थान लिया है, और उसको क्या नाम दिया? BWHW की जगह W हटा दो, तो क्या हो जाएगा? BWH। इसको थोड़ा वाइड कर दिया है, इसको थोड़ा वाइड कर दिया है, थोड़ा आगे तक बढ़ा दिया है, इसने केवल पूर्वी राजस्थान छोड़ा है, ऐसे। तो बचा हुआ पूरा जो है अर्धशुष्क भाग हो गया, स्टेपी प्रकार का, और कोई चेंजेस नहीं, स्टेपी प्रकार का अर्धशुष्क भाग हो गया, और उसके अंदर से भी इसने क्या हटा दिया? W हटा दिया। क्या बचा? BSH। ये त्रिवार्ता बता रहे अपन, त्रिवार्ता में ये पश्चिमी राजस्थान क्या है? शुष्क जलवायु प्रदेश है, शुष्क जलवायु है, कंटिन्यू जाड़ियां होती है, 10 से 20 सेंटीमीटर बारिश होती है। बीच का कौन सा है? अर्ध शुष्क है, स्टेपी प्रकार का, W हटा दो, क्या बचेगा? BSH, ठीक है। और इसमें क्या? स्टेपी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। और आगे देखिए और क्या चेंज किया इसने, इस AW जो है ऐसा कैसा रखा है, कोई चेंज नहीं किया है, इस AW के आगे सी लगा दिया, तो कौन सा हो गया ये? CAW, ठीक है। और इसको भी आर्द्र रखा, इसको भी आर्द्र रखा, केवल इसको नाम दिया उष्ण आर्द्र, कौन सा नाम दिया? उष्ण आर्द्र। और CWG की जगह इसने नाम क्या दे दिया? AW का नाम इसको दे दिया AW। ये चेंज किया बस, और कोई चेंज नहीं। CAW था इसका अपना, AW था इसके आगे, तो सी लगा दिया और CWG का नाम हटा के इसको AW नाम दे दिया। और इसको क्या नाम दिया? उष्ण आर्द्र, क्योंकि ये उष्ण आर्द्र है तो ये इससे कम होगा, तो ये क्या हो जाएगा? उप उष्ण आर्द्र, क्या हो जाएगा? उप उष्ण आर्द्र, ठीक है। और बाकी कोई चेंजेस नहीं, बारिश की वही बात रहा है। और क्षेत्रफल जो है इसका BSH का अर्धशुष्क स्टेपी, इसको थोड़ा बढ़ा दिया है। इस तरीके से आप ये मैप देख सकते हैं, मैप में आपको समझ में आ जाएगा कि व्लादिमीर कोपेन और त्रिवार्ता ने अपने अपने जो है कैसे बांटे, वर्गीकरण कैसे किया है। ये पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र हो जाएगा, जिसके अंदर पश्चिमी जो झीले आते हैं वो हो जाएंगे, जैसे कि जैसलमेर हो गया, बाड़मेर हो गया, जोधपुर का कुछ भाग हो गया और बीकानेर का कुछ भाग हो गया। अब इन्होंने क्या किया है कि एक प्रतिनिधि जो है जिला बनाया है। लगभग सब में ध्यान रखना, त्रिवार्ता ने भी डूंगरपुर को प्रतिनिधि माना है, डूंगरपुर को कौन से भाग के लिए? दक्षिण भाग के लिए, ठीक है। इसने जो है इसने इधर क्या है, लगभग सबको बीकानेर माना है प्रतिनिधि, यहाँ नागौर हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ सवाई माधोपुर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बांट सकते हैं। मैं आपको प्रतिनिधि वापस बताता हूं, आपन चलते हैं आगे। थार्नडोइक ने कुछ जो है चेंजेस इसके अंदर किए हैं। थार्नडोइक ने चेंज कैसे किए हैं? थोड़ा नाम चेंज कर दिए हैं और इसको थोड़ा वाइड किया है। ये देखिए, ये थार्नडोइक का है, ये थार्नडोइक। थार्नडोइक ने क्या किया,
इस तरीके से बटा, इस तरीके से चार भागों में इसने बांटा। सी डब्ल्यू था ना, सी ए डब्ल्यू, यहाँ पे डी ए सॉरी डी ए डब्ल्यू, और यहाँ पे डी बी डब्ल्यू, और यहाँ पे ई ए डी। इस तरीके से इन्होंने बांटा है बस, और कोई चेंज नहीं है, बाकी सब कुछ सेम है, बाकी सब कुछ सेम। इसको क्या नाम दिया है, ये तो शुष्क है ही, ये शुष्क है ही, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, आर्द्र है ही, ठीक है। ये है, इसको क्या माना इन्होंने, मिश्रित। क्या माना है, मिश्रित, मिश्रित जलवायु प्रदेश। मिश्रित का मतलब ये हो जाएगा उप आर्द्र या अर्ध शुष्क, अर्ध शुष्क उप आर्द्र, ये माना है। तो ये क्या हो जाएगा, मिश्रित हो जाएगा, क्योंकि अर्ध शुष्क वाला पार्ट भी आ रहा है और शुष्क वाला पार्ट भी आ रहा है, तो कुछ अर्ध शुष्क है कुछ शुष्क है, तो ये क्या हो जाएगा, मिश्रित। कौन सा हो जाएगा, मिश्रित। तो इस तरीके से इन्होंने बांट दिया है, बाकी वो की वही सेम सिचुएशन है। यहीं पे इसके भी प्रकार की भी आती है, इसमें प्रतिनिधित्व अजमेर करता है, यहाँ प्रतिनिधित्व कौन सा करता है, अजमेर करता है, यहाँ पे प्रतिनिधित्व श्री गंगानगर करता है, ठीक है, यहाँ पे प्रतिनिधित्व जैसलमेर करता है, और यहाँ पे प्रतिनिधित्व डूंगरपुर करता है। इसमें कोई चेंजेस नहीं है, यहाँ पे कुछ चेंज किए थे वो मैंने आपको बता दिया, बाकी सब सेम। तो इस तरीके से इन्होंने बांटा, सी ए डब्ल्यू जो कि आर्द्र है, डी ए डब्ल्यू जो कि अर्ध शुष्क या उपार्द्र, इसको थोड़ा वाइड कर दिया। ये जो बीच का जो बांगड़ प्रदेश था, बांगड़ प्रदेश प्लस अरावली प्रदेश के जो कुछ भाग थे, प्लस पूर्वी जो राजस्थान था उसको पूरे को इसके अंदर ले लिया डी ए डब्ल्यू में। ऊपर वाला जो पार्ट था श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ कुछ भाग चूरू का कुछ भाग झुंझुनू का, ये भाग लेके इन्होंने क्या किया, मिश्रित जलवायु बता दी। और जो पश्चिमी राजस्थान था जिसके अंदर जैसलमेर था, बीकानेर था, जोधपुर का कुछ भाग, बाड़मेर का कुछ भाग, ये लेके इन्होंने कौन सा नाम दिया, ई ए डी। अब यहाँ पे मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाएगी, कंटीली झाड़ियाँ और इस तरीके से बबूल वगैरह ये पाए जाएंगे, ई ए डब्ल्यू है। यहाँ पे क्या है, घास के वो आई जी एन पी आती ना, तो आई जी एन पी आने की वजह से यहाँ पे घास को मान लो आप, ठीक है, घास के मैदान है, और यहाँ पे वनस्पति मुख्यतः बहुत सारी वनस्पतियां पाई जाती है। ये जो है ये वर्षा की मात्रा प्लस माही नदी ये है, इस वजह से यहाँ पे शीशम सागवान वगैरह जो है वो पाए जाते हैं, और यहाँ पे स्टेपी प्रकार की जलवायु वो क्या नाम है वनस्पति पाई जाएगी, बस इसके अलावा और कुछ है ही नहीं इसमें पूरे वीडियो में। ट्री वार था थार्नडोइक और व्लादिमीर कोपेन का, तीनों ही आपको समझ में आ गया होगा। ट्री वार था ने किस तरीके से व्लादिमीर कोपेन के ही जो वर्गीकरण था, इससे ज्यादा मान्य त्रिवार था, इससे ज्यादा मान्य थार्नडोइक का है सॉरी, क्योंकि इन्होंने वनस्पति का लेके त्रिवार्ता की, फिर इससे ज्यादा मान्यता त्रिवार्ता की है। त्रिवार्ता ने कैसे वनस्पति और वर्षा की पूरी मात्रा भी अंदर ऐड कर ली। अब त्रिवार्ता ने क्या किया, त्रिवार्ता को मैंने बीच में इसलिए लिखा क्योंकि व्लादिमीर कोपेन ने जो वर्गीकरण किया था उसमें इन्होंने केवल कुछ चेंजेस किए हैं, बाकी कोई और चेंज नहीं किया, केवल वर्षा की मात्रा को साथ में लेते हुए कुछ चेंज किए हैं और बाकी कोई चेंज नहीं है। थार्नडोइक जो है इस तरीके से बांटा है, बाकी कोई खास चेंजेस नहीं है। तो इस तरीके से दोस्तों अपन वर्गीकरण जो है देख सकते हैं, राजस्थान के तीनों वर्गीकरण हैं, वैज्ञानिक वर्गीकरण जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर साल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, इनके कुछ नाम पूछ लिए जाते हैं, ये क्षेत्र पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा क्षेत्र किस में आता है। मान लो कि ये पूछ लिया जाए कि डूंगरपुर किस प्रदेश में आएगा, त्रिवार्ता के अनुसार या व्लादिमीर कोपेन के अनुसार, तो आ जाएगा ऐसे ए डब्ल्यू सी ए डब्ल्यू डी बी डब्ल्यू बी एस एच डब्ल्यू, तो आपको ध्यान रखना ए डब्ल्यू है नीचे, ए डब्ल्यू दोनों ही ऑप्शन में देखो ए डब्ल्यू नीचे ए डब्ल्यू रहेगा, इसने इन्हें सी ए डब्ल्यू कर दिया, बाकी दोनों में ए डब्ल्यू था, इसने सी ए डब्ल्यू कर दिया था, बस कोई चेंजेज ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों।